अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरों के गैंग का खुलासा, दो चोर तीन बुलेरो, एक बाइक और एक अल्टरनेटर के साथ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कोतवाली नानापारा और एसओजी की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने तीन चोरी की बुलेरो, एक बाइक और अल्टरनेटर बरामद किया है। बरामद वाहन को सीज कर चोरों के विरुद्ध केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक वृंदर शुक्ला ने बताया, नानापारा और मोतीपुर क्षेत्र में हो रही वाहन चोरी के खुलासे के लिए एसओजी और थाने की पुलिस को लगाया था। एसपी ने बताया कि पुलिस क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे की देखरेख में कोतवाल आरके सिंह और एसओजी प्रभारी अनुज कुमार त्रिपाठी की टीम ने कोतवाली नानापारा क्षेत्र के कुरमिन पूर्वा बाईपास मार्ग पर एक बुलेरो वाहन बरामद की। वाहन चोरी की मिली सभी चोरी के वाहन का नंबर बदलने के साथ उसे पेंट कर नेपाल बिक्री के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों से दो अन्य चोरी के बुलेरो वाहन बरामद किए। दोनों बुलेरो वाहन मोतीपुर थाना क्षेत्र के मिहपुरवा स्थित सोनू उस धर्मेंद्र की दुकान से बरामद हुए। इसके अलावा एक बाइक और एक चोरी की अल्टरनेटर बरामद की। बरामद वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया। कोतवाल ने बताया कि पकड़े गए चोरों की वाहन मोतीपुर थाना क्षेत्र के तमोलिनपुरवन गांव निवासी धर्मेंद्र और सोनू पुत्र राम निवास कोतवाली मूर्तिहा के ग्राम चुरवा निवासी संजय पुत्र गंगा विशुन के रूप में हुई है। सभी जिले में वाहनों की चोरी कर नेपाल में बिक्री करते थे। सभी के विरुद्ध केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। टीम में उप निरीक्षक नितिन उपाध्याय, एसआई पूर्णेश नारायण पांडे, दीपक सिंह आनंद, आदर्श भट्ट समेत अन्य लोग शामिल। क्या खुलासा, क्या कहना चाहिए जी? 18 और 19 की रात को दो बुलेरो चोरी की सूचना थाना नानपारा को प्राप्त हुई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और बहुत जल्दी ही एसओजी की टीम और नानपारा थाने की टीम ने इस पर कार्य शुरू कर दिया था और दो ही दिन के अंदर भारी सफलता इनको मिली है। जब दो अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ सोनू जो कि मोतीपुर थाना क्षेत्र का निवासी है और संजय जो कि मोतीहा थाना क्षेत्र का निवासी है, जिन्होंने ये दोनों गाड़ियां चुराई थी और नेपाल इनको ले जा रहे थे बेचने के लिए, तो बॉर्डर के नज़दीक ही इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया और इनकी निशानदेही पे ये गाड़ियां बरामद हुई और पूर्व की एक चोरी की हुई मोटरसाइकिल और अल्टरनेटर ये भी इनके पास से बरामद हुआ। इनके द्वारा बताया गया कि इस तरह से वाहन चोरी करते हैं और उसका नंबर बदल देते हैं और गाड़ी का रंग बदल देते हैं और फिर इसको नेपाल के प्रीमियम प्राइस पे बेचते हैं। तो इस समयबद्ध सफलता के लिए एसओजी टीम को और नानपारा टीम को बधाई देना चाहूँगी कि इतनी तत्परता से संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इनको आज जेल भेजा जा रहा है और बहुत जल्दी इनके विरुद्ध गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, इनके द्वारा इनके खिलाफ पूर्व में नानपारा थाने में 2019 में थाना मोतीपुर में भी एक मुकदमा पंजीकृत है और अब तीन मुकदमे हाल ही में भी। ये अभी तो जो जानकारी आई है दो लोग हैं जो कि आपस में रिश्तेदार हैं और मिलके काम करते हैं। अभी अन्य यदि इनके गैंग में सदस्य हैं जो इनका सहयोग करते आए हैं पूर्व में, उसकी जांच विवेचना के क्रम में स्पष्ट